थोड़ा होर गुरु चरणा दे लागे लै जाइए, आओ वो सच्चे रैबर दा ध्यान धरिए, आ साडा समा, आ साडियां गुरमुखों कीमती घड़ियां होर भी ज्यादा कीमती हो जान, साडी गुरु चरणा च हाजरी लगे, मन एकागर होवे, सब एक बार गज के कहो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी। गुरमुखो बड़ी वड्डी गल है, बाबा फतेह सिंह जी एक बचन करिया करदे हुंदे सन कि मैं लाहौर दा जट सां, मैं किसे बंदे नू नहीं सी मनदा, किसे गुरु नू नहीं सी मनदा, मैं कदी जिंदगी विच किसे अगे नहीं सी चुकिया। ओ बाबा फतेह सिंह जेदे बारे सोहण सिंह सीतल लिखदे ने कि मेरा टाइम सी ते मेरे तो पहला बाबा फतेह सिंह जी बोल रहे सन, मेरे तो बाद विच बोल रहे सन, ते उन्होंने बोलदिया बोलदिया आख्या कि दोवां दोवां रुपईयां दियां सरंगियां लै लैंदे आ मोढ़ियां नूं ला के, ते दिलबरा हो ना, इन्हां नूं गुरबाणी दा पता ना अर्थ दा पता। वो कहिंदा मेरा मन ते बड़ा दुखी होया, पर मैं टाइम अपना ला लिया सी, मैं कुछ कह नहीं सी सकदा, पर बाबा फतेह सिंह गुरबाणी दा बड़ा सियाणा सी, ऐडा विद्वान मैं बाणी दा सियाणा बंदा नहीं वेख्या। उन्होंने कहन करके सोहण सिंह सीतल कहिंदे मैं पढ़ना शुरू किया, गुरबाणी पढ़नी शुरू की, गुरमुखो आप किदां दे होणगे। बाबा फतेह सिंह कहिंदा गुरु प्रताप सिंह नूं जदों मैं मिलिया दर्शन किया, उहदे विच गुण ही इन्ने ज़्यादे सन, कोई एक पक्ष का बंदा सियाणा हो सकता है, कोई राग का सियाणा हो सकता है, कोई शास्त्रां का सियाणा हो सकता है, कोई पलवान हो सकता है, कोई वैदगी का सियाणा हो सकता है, कोई सभा का माहर हो सकता है, पर इन्ने ज्यादे सारे दे सारे गुण कहिंदा मैं अपनी जिंदगी विच कदे किसे एक इंसान विच नहीं पाए। गुरु प्रताप सिंह का जदों मैं दर्शन किया, मेरा अपने आप ही चरण सतगुरां दे चरणां विच झुक गया, अपना मेरा सीस सतगुरां दे अगे मैं अपना आपा समर्पित कर दिता, इहदे विच गुण बहुत ज़्यादे सन, गुरमुखो इहदे च शक कोई नहीं। मेरे तो पहला तुसी दीवान सरवण करदे पै सी, गुरु प्रताप सिंह महाराज ने प्रेम वंडिया गुरमुखो, भावें कोई गुरु प्रताप सिंह दे सिर दा वैरी भी बन के आ गया, बगानियां दी गल नहीं, अपने जेड़ा भी कोई मर जाई, सतगुरां ने उहदे ते कैरी नज़र नहीं कीती। जे किसे ने आखिया ना कोई प्रताप सिंह दा सिर वड के लियावेगा मैं इन्ना इनाम दवांगा, ते गुरु प्रताप सिंह महाराज आप ही उहदे घर दे विच चले गए, तुर गए। वो पौड़ियां तो उतर रहा सी, उन्हें आखिया ए बाबे कौन है, उन्हें पूछिया महाराज कौन आए जे, सतगुर आखिया मैं प्रताप सिंह हाँ महाराज, जेदे बारे तुसी ऐलान किया, मैं आखिया तुहानू कष्ट होएगा, मैं आप ही चल के अपना सिर हाजिर कर देना। गुरमुखो ऐदा दे सतगुरु ते विरसे विच वेखो की मिलिया सतगुरु प्रताप सिंह जी नू, जदों अवतार होया बूहे अगे चौंकी सी, नामधारी पंथ सारा अस्त व्यस्त सी, दमन चक्कर चलिया सी, जेलां विच कूकियां नूं नामधारियां नूं डक्या गया, काले पाणियां दियां सजावां दित्तियां गईयां, दौरियां ते दीवानां ते अखंड पाठां ते पाबंदियां लाईयां गईयां। ऐदां दा समां, ऐदां दा माहौल, इह कुछ विरसे विच मिलदा है गुरु प्रताप सिंह जी नूं। गुरु राम सिंह दी सजाई होई सिखी ते वह बहार नहीं सी रही, गुरु प्रताप सिंह महाराज ने गुरमुखों कृपा की, विदेशों के दौरे किए, बैंकॉक गए बहुत बार, नरोबी गए, ते गरीब नवाज का मन भावां ना इदां गुरमुखों भरिया होया सी, उहदे च वैराग भी इन्ना सी चीनी वाले दे प्रति, जिस हावा साहब पाठ करदियां करदियां गुरमुखो बाणी दी वैराग दी तुक आउंदी ए, ते उत्थे बैठियां सतगुरां दे नेत्र सजल हुंदे ने,
लखां ही पाठ चीनी वाले दे वजोंग विच कीते गए प्रेम नूं समर्पित कीते गए। रागां दे ओह सियाणे सन, सेहत पक्षी सतगुरां दा बड़ा ध्यान सी। किसे सज्जन ने कुछ सतरां लिख के सच्चे पातशाह जी नूं गुरमुखो इस तरह याद कीता है। श्री सतगुरु प्रताप सिंह जद वांग संभाली ते कूका पंथ दी खिजाते ते छा गई हरियाली। ओ दिसी कुप हनेर चों उषा दी लाली हर दिन सी चढ़िया ईद दा ते हर रात दिवाली। उस खै खै मरदी खलकदी ते सुन लई दुहाई ओ जी चढ़िया सोधन धरत नू। हां जी चढ़िया सोधन सतगुरु फिर धरत लुकाई। जी चढ़िया सोधन सतगुरु फिर धरत लुकाई। 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 उस झंडा लै हथ सुला कुन कर लई तैयारी। उस तुजा उठाई धर्म दी ते दया पसारी। उस ढाल बनाई खिमा दी ते खूब शंगारी। उस कीती सच ते सिदक दी उत्ते मीनाकारी। उस भुले पटके पांदियां नूरा वखाया दल पंजन गुर सूरमा कल तारन आया। दल पंजन गुर सूरमा कल तारन आया। दल पंजन गुर सूरमा कल तारन सूरमा कल तार ने आया। दल पंजन गुर सूरमा कल तार ने आया। उस दागी तोप अठोतरी घर घर रुशनाया। उस छड़े गोले ज्ञान दे ते लू लू कंबाया। उस दैतों कीते देवते जम डंड गवाया। ते कल युग अंदर सचगु जी आन वरताया। उस कट्टी नाम जपा के उस कट्टी नाम जपा के सिलकी जम फासी। उस मुक्त जुगत कर दसिया ना वे की दासी। उस मुक्त जुगत कर दसिया ना वे की दासी। उस उस फेर बनाए नाम देव सदने ते तने। उस सैन नाई बुतकारिया कई लाए बन्ने। उस कापर भुल्लड़ मुनकरां दे हैंकड़ बन्ने। ते चरनी लाए ठग चोर मन्ने पर मन्ने। उस निंदक दुष्ट हराम खोर साखत निस्तारे। ओ जी पाप करन ते चौधरी कई पत दी उधारे। पाप करन ते चौधरी कई पत दी उधारे।
कहिंदे उस डिठी सिख समाज दी उलझी हुई तानी कोई गुंगे गोरा पूजदा कोई मड़ी मसानी कई मन्नन सरवर सखी नू कर मत यानी उस हुका दुख दे के अखिया सुन लो कहानी जो सिमरे एक अकाल नू वो सद सुख पाए कल कलेशो वीर नो खिन माहे मिटाए गरीब नवाज गुरु प्रताप सिंह महाराज दा गुरमुखो दर्शन जाहो जलाल ही गुरमुखो ऐसा सी जिन्हें भी एक बार गरीब नवाज दा दीदार कर लिया दर्शन कर लिया किसे सिख दी गल नहीं एक शख्सियत दा गुरमुखो प्रभाव हुंदा बंदे दा किसे नू वेख के रब याद आउंदा है किसे नू देख के मन चंगा भला भी विचलित हो जाता है किसे नू वेख के दिल च ठंड पैंदी है किसे दा दर्शन करके गुरमुखों देनी खराब हो जाता हर एक बंदे दा अपना शख्सियत दा प्रभाव है। गुरु प्रताप सिंह महाराज लाहौर गुरमुखों गए अर्जन नगर दे विच चौंक दे विच एक दुकान सी तीर्थ राम दी तीर्थ राम दी गुरु प्रताप सिंह उत्थे खलोते घोड़िया का समान कुछ लेंदे पै सन घोड़िया के शौकीन सन कुछ घोड़िया दियां वागां कुछ काठियां कुछ होर छोटा मोटा समान सतगुरां काफ़ी लिया उत्थे खलोतियां खलोतियां एक पठान बंदा आया उन्हें मोढ़े नूं गठड़ी पाई हुई है काफ़ी सारे कंबल उहदे च बद्धे होए ने ते पंज सत ने अपनी बांह ते रखे है। जदों सतगुरां दे कोल आया सतगुरां आखिया भी की रेट लैना किवें देना कंबल कहिंदा महाराज बस 14-15 रुपये इन्ना के रेट है। सतगुरां आखिया भाई जी नूं 10 कंबल इहदे कोलों खरीद लो 10 कंबल उहदे कोलों लै लै। सतगुर अगे चले गए पता नहीं उस पठान नूं की होया तुरदियां फिरदियां फिर ना 10 मिंटां बाद उस दुकान ते आ गया। वो तीर्थ राम नूं कहिंदा सेठ जी वो बाबा किधर गया कहिंदे की गल कोई पैसे रह गए कहिंदे नहीं पैसे नहीं रह गए साडे मजहब विच समझाया जांदा है भी अल्लाह ताला तो बिना होर कोई नहीं एक वाहद है अल्लाह जिसनू मन्निया जांदा है। पर उस बाबे नू वेख के साडे मजहब विच आ कि जिन्नू वेख के ताडी दुबान ते साचे आवे तुहानू अल्लाह याद आवे वह कोई सच्चा रब दा रहबर हुंदा है कोई अल्लाह दा नबी हुंदा कोई वली हुंदा है। जदों दा मैं दर्शन करके गया ना मेरा मन नहीं टेकदा मेरा जी करदा मैं बार बार उसनू वेखा दीदार करा बार बार उहदा दीदार करा दर्शन करा ते सेठ जी कहन लगे वो ताडे मजहब विच वेख ला किन्नियां कठिनाइयां ने एक देहधारी नू एक सिखां दे गुरु नू जाके मिलेगा सिजदा करेगा ओ कहिंदा गल वसदी रही ना मेरे ओ गल वसदी रही ना मेरे उन्हें मेरा मन मोलिया वसदी रही ना मेरे उन्हें मेरा मन मोलिया गल वसदी रही गल वसदी रही ना मेरे उन्हें मेरा मन मोलिया गल वसदी रही ना मेरे उन्हें मेरा मन मोलिया गल वसदी रही ना मेरे उन्हें मेरा मन मोलिया उन्हें मेरा मन मोहलिया
गल वसदी रही ना मेरे उने मेरा मन भोलिया वसदी रही ना मेरे उने मेरा मन भोलिया वसदी गज के कहो धन सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह नरोबी गए संत दर्शन सिंह होनी सूबा जी सन एक सरवण सिंह सोखी नाम का आदमी सी बहुत सिख जानते नरोबी दे ते सारे ही जानते ने दर्शन सिंह होना ना प्यार सी उन्हां दा ते सूबा दर्शन सिंह जी ने आख्या कि सरवण सिंह जी साढ़े सतगुर आए ने बड़ा मेला पंजाब तो आए ने आके दर्शन मेला करो वो कहिंदे मैं आते जाना ताडे ना मेरा प्यार आ पर मैं मत्था नहीं जे टेकना मैं झुकना नहीं कदी किसे दे तारी गुरु अगे नहीं झुकया मत्था नहीं टेकया ये सिर मेरा बस बाजा वाले पातशाह की इमानत है मैं नहीं किसे अगे चुका कहिंदे ना मत्था टेकियो ओदा ही आन के संगत च बह जाओ तो सूबा दर्शन सिंह जी दे नाल नाल आउंदा सी ते सूबा जी पिछे हो गए तो वह पहला ही अगे जाके जदों गुरु प्रताप सिंह का दर्शन किया दीदार किया तो भज के जाके चरणा ते सिर रख दिता सूबा जी कहन लगे तुसी ते कहिंदे सी मैं मत्था नहीं टेकना ओ कहिंदे गल वसदी रही ना मेरे इन मेरा मन मोलिया वसदी रही ना मेरे इन मेरा मन मोलिया वसदी वसदी रही ना मेरे इने मेरा मन मोलिया वसदी रही ना मेरे इने मेरा मन मोलिया वसदी रही ना मेरे गुरु प्रताप सिंह महाराज बड़े बड़े सज्जना ना गुरु प्रताप सिंह दा इदा गुरमुखो दिलों प्यार सतगुर बचन करदे हुंदे सन के मेरा जी करदा है हीरे मोतियां दे ढेर लगे होण ते गुणी बंदियां नूं मैं भर भर झोलियां वंडा ते मुक्कन ना ये मेरे दिल दी तमन्ना गुरमुखो पैनी साहब विच संगीत नूं संभालण लई जिहड़ा अज बूटा नजर आउंदा शां दे रिहा है ये गुरु प्रताप सिंह दा लाया होया ये गुरु प्रताप सिंह ने बख्शिश की है जेड़ी अज सिखी नज़र आउंदी है ये गुरु प्रताप सिंह महाराज की सिखाई सजाई हुई है आपां अरदास विच कहिंदे आ जिन्ना सुच सोध नाम बाणी का प्रवाह दिता चलाए गुरु प्रताप सिंह महाराज ने प्रवाह चलाया गुरमुखो नाम बाणी सुच सोध मर्यादा का
एक पासे वाल नहीं तुसी केड़े केड़े बन्ने ध्यान मारोगे एक एक गुरमुखो विषय ते कई कई महीनिया बद्दी दीवान लग सकते ने पर उपकारी सतगुरु पर उपकारी मेरा दरदीला पातशाह वैराग ना भरिया हिरदा सतगुर दा गुरमुखो समाज लई जो कीता दुनिया दे वास्ते जो कीता पाकिस्तान दा वो समा सच्चे पातशाह महाराज जी दे उस काल विच आया आपां उन्हां दे गुण उन्हां दीआं वडियाईआं कर ही नहीं सकते। कोई गुणी बंदा भावें किदां दा भी गुरमुखो हैगा सी ना सतगुर वल पा के भी उहदे कोल जांदे। तुसीं सुणिआ होणा कि प्रीत लड़ी तां कामरेड सी गुरबख्श सिंह पर गुरु प्रताप सिंह उहदे कोल मिलन वास्ते गए। प्रीत लड़ी जी ने आखिया मैं सोचिया कोई वड्डा सारा मंत चौंकड़ा ला के किसे तख्त ते बैठा होएगा चेले चपटे नाल होणगे वखरी जी उहदी रौण टौर होएगी। कहिंदे मेरे आउंदियां पहला ही घर विच आ गए मैं किते बाहर गया सा जदों मैं आण के वेखिया खिलरे पुलरे समान विच एक नुक्कर ते लक्कड़ दी कुर्सी दे उत्ते बैठे होए ते मेरे को ये नहीं सी मैनू नेरे पता लगा भी ये शाहां दा शाह शहन शाह सतगुर प्रताप सिंह। अजे मैं सोचता ही पिया सा मैं की करा मैं तो रब नू नहीं मानता मैं मत्था टेका किवें करा ते सतगुर प्रताप सिंह मेरे दिल दी जान के उठे ते मैनू गलवकड़ी विच लै लिया। गुरमुखो प्यारे हो इदा दा सतगुरु गुण की कदर करन वाला गुणा दे पारखू गरीब नवाज पातशाह किसे ने आखिया सच्चे पातशाह नू महाराज आओ बंदा कहिंदा मैं तीन तरह की गौड़ी जेड़ी ना गा लैना ते सतगुरां आखिया भी सत प्रकार की ते मैनू भी आउंदी है। गुरमुखो एडे बरीक राग दे जाणू दिल रुबा उन्हां दा मन पाउंदा साज सी जदों कदे रात नू नींद ना आउंदी थके हुंदे घोड़ियां ते दौरे करदे अजकल वर्गे ते समय ही नहीं सन ते सतगुर कहिंदे दिल रुबा वजाओ जदों दिल रुबा वजदा ते सतगुर बिराज जांदे। किन्नी क गुरमुखों बिरती ओ टिकी होएगी सच्चे पातशाह गए रजिंदर सिंह गड्डी चलाउंदे सी भाई जी भी नाल सन बड़ी दूर जंगलां चों गड्डी लंघदी गई अगे एक नदी आई नदी च गड्डी चढ़ा के बेड़ी ते पार कीती गई बड़े रुखे जे पहाड़ रुख उड़दे हुए पंछी हिरण वेखदे सन कि अज ए कौन सानू दर्शन दीदार देन वास्ते आ गया। बड़ा लम्मा पंद करन तो बाद गड्डी खुलारी गई सतगुर उतरे गड्डी विच्चों ते 6 फुट लम्मा सिर ते उन्ने साफा जिहा वलेटिया टोपी दे उत्तों दी लबां कट्टियां होईयां सन किते जान लगा सी जदों उन्ने वेखिया भी गुरु प्रताप सिंह आए आ गुरमुखो दौड़ के चरणा ते डिग पिया। एक मुसलमान सरदार सी कबीले दा सतगुरां दा प्यार सी पाकिस्तान जदों नहीं सी बनिया मिलदे गिलदे वह कहिंदा महाराज मैं रोज़ याद करदा सा कदे कावां नू चूरियां पा के सुनेहे देंदा कि मेरे माही नू जा के आखियो किते गरीब दा चेता ते नहीं भुल गया मैं रोज़ औंसियां पा पा के राह मंगदा कि उहनू मेरे सुल्तान नू मेरे वल घल दिओ मैं तां उम्मीद महाराज ला दित्ती सी अज दर्शन रोई जा रहा सी तेरा दर्शन दीदार हो गया आप गरीब नू घर आण के दर्शन इदां दित्ते। सतगुरां आखिया सरदार जी घोड़े वेखण आए हैं कहिंदे घोड़ियां दा महाराज तेनू किहड़ा काटा तेरे तबेले च वलैती घोड़े ने अरबी घोड़े ने एक तो एक चढ़ंदा तू ते गरीब दा पार ही उतारा करन वास्ते आया। मुसलमान लागे सन उन्हां आखिया वो एक अल्लाह ताला दी बारगाह च की जाके जवाब देवेंगा तू इहदे चरणा दे उत्ते झुक गया चरणा ते मत्था टेके आई। वो कहिंदा जे बंदा हुंदा ते झुकदा ना
जे बंदा हुंदा ते झुकदा ना मैनू अल्लाह नजरिया आए बंदा हुंदा ते झुकदा ना मैनू अल्लाह नजरिया आए बंदा हुंदा ते ना मैं अल्लाह नजरिया आया है बंदा हुंदा ते झुकदा ना मैनू अल्लाह नजरिया आया है बंदा बंदा हुंदा ते झुकदा ना अल्लाह नजरिया आए जे बंदा हुंदा ते झुकदा ना मैनू अल्लाह नजरिया आए बंदा हुंदा ते गुरमुखो गल कह के मैं समाप्ति करनी है। सिख धर्म किदां दा धर्म है? परवाना जी ने एक कविता लिखी सी, दोवां गल्लां विच सारी गुरमुखो सिख फलोसफी आ गई। वो कहिंदे हिंदू होके मोमन रह के हर कोई सिख अखवा सकता, भावें कोई मुसलमान होवे नमाजां पढ़दा सुन्नत वाला वो भी सिख हो सकता, क्योंकि सिखी गुरमुख गुणा का नाम है, सिखी शुभ गुणा का नाम है। जिस बंदे दे अंदर दया नहीं आई, प्रेम नहीं आया, जिस बंदे दे हिरदे विच गुरमुखो पर उपकार नहीं आया, वो सिख किवें भला हो सकता है? ये सिखी आ प्यार दी। गुरु प्रताप सिंह महाराज का दर्शन किया, भावें वह मुसलमान है पर गुरमुखो प्यार एक इदां दी चीज है। महाराज कहिंदे रब नूं भी घर बुला लैंदा है, रब नाल गल्लां करवा देंदा प्रेम, ते प्रेम दे विच इक्को ही एक गुरमुखो कीमत लगदी है। बहुतियां चीजां नहीं रब मंगदा, गुरु मंगदा, वो प्रेम मंगदा समर्पण। गुरु नूं अपना आपा तू समर्पित कर दे। कहिंदे किसे आखिया जाए पतंग ताई ते एवें भोलिया जान गवाउंदा ऐ क्यों, क्यों तड़पदा ऐ शमां दे हुस्न उत्ते एवें अपने अंग जलाउंदा ऐ क्यों। अगों मोड़ के उस जवाब दिता, वे तेनू भूलिया असां दी सार नाही, ते प्यार विच ते देवना सिर पैंदा, ते तू कीता जापदा किसे नाल प्यार नाही। इहदे च वड्डी गल ए है कि पतंगा सिर्फ अग दे उत्ते जांदा, अग ते होर रोशनियां बड़ियां, होर किते नहीं जांदा, होर कोई रोशनी उन्नू भुलेखा नहीं पाउंदी। गुरु दा सिख भी गुरमुख होर किते नहीं जांदा, केवल ते केवल अपने गुरु दे चरणा तो ही अपना आपा वारदा। सतगुरु सच्चे पातशाह ने निहाल कीता पठान नू, वापस आए जदों कम कार करके उसे ही दुकान ते गुरमुखो वापस आ गए। तीर्थ राम दी दुकान ते ओ पठान खलोता होया सी,
सतगुर कहन लगे पठान जी ताडे कोलों कंबल ते लै लै ने सगों कोई दम रह गए और साडे वल भज के जाके जफ्फी पा ली भज गया सतगुरां दे कोल चले गया महाराज दम नहीं सी कोई रह गया आ मेरा काम एक बाकी रह गया सी ओ जी तेनू गल लाउण वाला एहो कम रह गया तेनू गल लाउण वाला इको कम रह गया गल लाउण वाला इको सतगुरां ने अगों कुट के जफ्फी पाई गुरमुखो प्यार दे वपारी दुनिया ते अज बड़े थोड़े है लोग नफरतां दा वपार करदे ने नफरतां दा सिर्फ अपने लालच बदले शोहरत बदले गुरु प्रताप सिंह महाराज ने नाम दा जग लाया संगीत दा जग लाया जमीना दे लंगर लाए ऐडा बेपरवाह गुरमुखो सखी सतगुरु जे कोई होया ते दसवें पातशाह तो बाद धन गुरु प्रताप सिंह सच्चा पातशाह गुरमुखो दुनिया ते बड़े बंदे ने अज तुसी वेखो चार छफेरे नजर मार के आ सरसे दे इलाके च जाओ संसार सारे दे उत्ते ओडी कीमती जमीन नहीं है गई कदे उजाड़ा सन सिख उत्थे रुकते नहीं सी कि असी अपने बाग छड के आए हाँ कमाद छड के आए हाँ महाराज आ उजाड़ा दे विच किवें रहीए सतगुरां आख्या थोड़ी देर रुक जाओ जिन्ना ने गुरमुखो बचन मन्या उन्हां दा बेड़ा पार हो गया सतगुरु सच्चे पातशाह ने बड़ियां बख्शिशां कीतियां आओ अज दे गुरमुखो इस समागम विच्चों अज दा दिन गुरु प्रताप सिंह महाराज नूं समर्पित है उन्हां सतगुरां नूं याद करके आ मैं धारण पढ़ के इत्थे ही गुरमुखो खिमा मंग लई ओ जी तेरे प्रताप दे सदका रोशन सारी दुनिया है तेरे प्रताप दे सदका रोशन सारी दुनिया है तेरे प्रताप Yeah.
ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। परम सत्कारयोग साध संगत जी, आप सारिया ने जथेदार कमाल सिंह जी पासों सतगुरु प्रताप सिंह जी दे जीवन का वो पक्ष सरवण किया जिस विच सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे दर्शन का प्रभाव ऐसा सी, मुसलमान लोगों ने भी सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी नूं अपना खुदा आख्या। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी का उन्हां लोगों के उत्ते, मुसलमान लोगों के उत्ते ऐसा प्रभाव सी कि वह अपने पिंडां दे विच गऊ कतल नहीं सन करिया करदे। सो उन्होंने बहुत वधिया ढंग दे नाल सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी का वह पक्ष तुहाडे अगे रखिया। हुण तो लैके 10:30 बजे तक जथेदार सुरजीत सिंह जी मुस्तरापुर, आप जी उन्होंने सरवण करो जी।